द्रौपदी के श्राप के कारण कुत्ते खुले में सहवास करते हैं, लेकिन क्या यह बात सत्य है या फिर झूठ है? क्योंकि सभी जानवर तो खुले में ही सहवास करते हैं, फिर कुत्ते का खुले में सहवास करने के पीछे द्रौपदी के श्राप की असली सच्चाई क्या है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी का विवाह कुंती के 5 पुत्रों से हुआ था, और तभी ये तय किया गया कि द्रौपदी 1 साल में सिर्फ एक ही पांडव के साथ अपना समय बिताया करेंगी। जब वो किसी पांडव के साथ अपने कक्ष में समय बिता रही होगी, तब जो भी पांडव कक्ष में होगा वो अपनी पादुकाएं बाहर ही निकाल देगा, जिससे कोई और पांडव कक्ष में न जा सके। ये बातें सभी पांडवों ने मान ली थी। एक दिन द्रौपदी अर्जुन के साथ अपने कमरे में थी। दोनों ही बहुत सुखद समय बीता रहे थे। एक दूसरे की बातों में खोए दोनों उस समय का आनंद ले रहे थे। तभी उनके कक्ष के बाहर एक कुत्ता आया। उसने अर्जुन की पादुकाएं अपने मुंह में दबाई और जंगल की ओर भाग गया। जंगल जाकर कुत्ता उस पादुका से खेलने लगा। उधर भीम अपने कक्ष में जा रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नहीं है। इसका मतलब है कि वो इस समय कक्ष में अकेली है। भीम बिना कुछ सोचे तुरंत कक्ष के अंदर चले गए। जब द्रौपदी ने भीम को अचानक इस तरह कमरे में देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई और लज्जित महसूस करने लगी। गुस्से में लाल द्रौपदी ने भीम से पूछा, आप कक्ष के अंदर ऐसे कैसे आ सकते हैं? जबकि कक्ष के बाहर निकली पादुकाएं इस बात का संकेत दे रही है कि कक्ष के अंदर अर्जुन है। द्रौपदी को शांत करते हुए भीम ने कहा कि बाहर तो कोई भी पादुका नहीं है, तभी तो मैं अंदर आया। अगर मुझे कोई पादुका दिखती तो मैं अंदर आता ही नहीं। तब अर्जुन और भीम पादुका को देखने के लिए कक्ष के बाहर आ गए और उसे खोजने लगे। पादुका खोजते खोजते दोनों भाई उसी जंगल में जा पहुँचे जहाँ वो कुत्ते उन पादुकाओं से खेल रहे था। अर्जुन और भीम के पीछे पीछे द्रौपदी भी उसी जंगल में जा पहुँची। जब उन्होंने उस कुत्ते को पादुका के साथ खेलता देखा, तब गुस्से से भरी द्रौपदी ने न आप देखा न ताव और कुत्ते को श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि आज तुम्हारी वजह से मुझे भीम के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी जाति को खुले में सहवास करने का श्राप देती हूँ। और तभी से यह लोक कथा बहुत प्रचलित है, लेकिन इसकी सत्यता का प्रमाण किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता, क्योंकि सभी जानवर खुले नहीं सहवास करते हैं। फिर द्रौपदी ने कुत्ते को खुले में सहवास करने का श्राप दिया होगा। यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है, और आप भी ऐसी किसी भी कहानी पर विश्वास न करें। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे जय श्री कृष्ण।